अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। काशिफ नूर कुकिंग चैनल में आप सबका वेलकम है। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मटर आलू। तो मटर आलू वैसे भी आप घरों में बनाते होंगे, लेकिन आज हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको बनाना सिखा रहे हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए हमने आधा किलो मटर ले लिए हैं और इनको साफ यानी निकालने के बाद धो लिया है। हमने एक पाव आलू लेकिन इनको छोटे पीसेस में काटा है, बहुत बड़े पीसेस में नहीं काटा। आप चाहें तो इनके साथ गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर गाजर भी आपको एक पाव रखनी होगी। टमाटर मैंने इससे दो दाने लेके दो दाने मैंने रिंग में हाफ रिंग शेप में मैंने काट लिए हैं। धनिया मैंने 3 से 4 टहनियां लेके इनको बारीक चॉप कर लिया है, ऊपर डालने के लिए काम आएगा। साबुत हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ले ली हैं। अगर आपको कड़वा ज्यादा पसंद है तो आप मजीद इनको कूट के भी डाल सकते हैं, यानी पिसी हुई आप लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ शामिल करेंगे। हमने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। अगर आपको कड़वा चाहिए तो इसी में आप 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे। 2 प्याज हमने लेके इनको बारीक चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक और छोटी छोटी करके हमने रख दी है। मसाले जो हम इसके अंदर सब्जी का मसाला बनाने वाले हैं तो वो ये हैं, आप नोट कर लें अच्छी तरह से। 1 चम्मच दड़ा मिर्च है हमारे पास, 1 चम्मच कलौंची है, 1/2 चम्मच अजवाइन है। मैं सूखा धनिया साबुत लेती हूँ, उसको खुद पीसती हूँ, क्योंकि जब आप साबुत मसाले लेते हैं और उनको पीसते हैं तो उनका जायका बहुत अच्छा होता है बनिस्बत पिसे हुए लेने से। तो 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और इसको पीस लिया है। 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला लेके मैंने इसको पीसा है। आपने पिसा हुआ कभी भी सालन में नहीं डालना, उससे आपका सालन का रंग डार्क हो जाता है। अभी ये मैंने साबुत रखा था और इसको देखिए मैंने जब कूटा तो बिल्कुल ऐसे पीसा है, सॉरी, तो बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, थोड़ा थोड़ा पीसा है ताकि इनमें चीज़ साबुत आप इसमें हर चीज़ आ गई है, चाहे जफर जयत्री है या बादियाम का फूल है, सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर ली है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मिक्स गरम मसाले की 1 चम्मच ली है। तो मसाला मिक्स मसाला क्या है ये अगर आप ना जानना चाहते हैं कि सब्जियों के लिए ख़ास मसाला बना रही हूँ, अगर आपको इसकी चाहिए है तो आप हमारे ज़रूर चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप रिक्वेस्ट कर दें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं अब इसे कढ़ाई में बनाने लगी हूँ, आप चाहें जिस भी बर्तन में बनाए। गैस लगाने के बाद फुल आंच है। अब मैंने इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और जब ये गर्म होने लगे तो मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, जो 1 चम्मच हमने अजवाइन लेके रखी हुई थी ये इसमें ऐड कर दिया है। भून लेना है। अब साथ साथ बना हुआ कुकिंग ऑयल तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, जो 2 हमने प्याज लेके उसको बारीक काट रखा था। और मैंने इनको लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन, तब तक मैंने इनको इसी तेल में फ्राई करते रहना है। तो इनका कलर चेंज हो रहा है, तकरीबन ये 5 से 6 मिनट के अंदर हो ही जाता है और ये कोई ऐसा मुश्किल काम है तो नहीं, आप सभी कुकिंग में करते रहते हैं। तो बस मैंने इसलिए आपको शॉर्ट करके यहाँ से दिखा दिया है और हमने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ देखिए हम प्याज के ब्राउन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये लाइट ब्राउन होते जा रहे हैं तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा आपने करना है। इससे क्या होगा कि आपके प्याज नरम हो जाएंगे और ग्रेवी में बिल्कुल हल हो जाएंगे। अब हमने इसमें सूखा धनिया 1 चम्मच जो हमने पीस के रखा हुआ था, कलौंची 1/2 चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और 1 चम्मच मिक्स मसाला हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी में से मजीद डालूंगी, प्याजों ने वो पानी सुखा दिया है। और अब ये मसाले को पकाने के लिए, इससे आपका मसाला कच्चा नहीं रहेगा और बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा और जलेगा भी नहीं। देखिए प्याज बिल्कुल इसके अंदर नरम हो जाए, कोई चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए, तब हम इसमें देखिए अभी हमने कोई डाला ही नहीं और इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है सिर्फ इन खड़े मसालों की वजह से। इसमें अब हम
टमाटर दो अदद काटे हुए और लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम आंच को स्लो कर देंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें और इसको दम पे 2 से 3 मिनट ही रखेंगे ताकि टमाटर गल जाएं। अब ये 3 से 4 मिनट बाद हम इसको खोल रहे हैं। टमाटर नरम हो चुके हैं ये देखें बिल्कुल। अब मैंने इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है क्योंकि इसके बाद हम फेंट नहीं सकते। आपकी ग्रेवी बिल्कुल थिक तो होगी लेकिन उसमें कुछ दिखेगा नहीं, जाहिर नहीं होगा। वो बड़ी अच्छी सी लगती है कि जब आपकी सब्ज़ी का ही सिर्फ लुक दिख रहा हो, बाकी चीज़ें उसमें ना दिख रही हों। उन्हें इनको अच्छी तरह से आप फेंट लेना है। तो अब ये टमाटर देखें सारे गल चुके हैं और ग्रेवी बिल्कुल, हम चाहते थे कि बिल्कुल ऐसी ग्रेवी हो जाए कि उसमें कोई चीज़ साबुत बचे ना। तो हमारा सब कुछ अब तकरीबन हो चुका है। जो थोड़ी बड़ी बची कुछ कसर है तो वो हमारी सब्ज़ी के पत्ते पत्ते हो जाएगी। तो देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी थिक सी ग्रेवी तैयार हुई है। अब हमने इसमें मटर को ऐड कर लेना है, ये जो आधा किलो हमने मटर लिए थे। और हमने पानी नहीं डालना। अगर आपने बहुत ज़्यादा सख्त मटर लिए हैं, जो वो एक सख्त किस्म के मटर आ जाते हैं सीज़न के बगैर, तो उनमें आप फिर इस टाइम पर पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर सीज़न वाइज हैं और बिल्कुल देखें जैसे हमारे मटर से खिले खिले हुए, तो इनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इनको डालने के बाद आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है और 3 से 4 मिनट इनको हमने चमचा हिलाते रहना है। अब 3 से 4 मिनट में देखें इनका रंग बहुत ही अच्छा सा खिला हुआ हो गया है। हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें आलू को उसके साथ पकाना है और फिर इनका रंग अच्छा नहीं रहेगा। अब हम इसमें 1 पाव आलू ऐड करने वाले हैं जो हमने दरमियाना पीस काट के रखे हुए थे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने अपने जैतून दाल डाले, आप जितना चाहें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें साबुत पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने खुद पीसा था वो डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो पानी हम नहीं डाल रहे। और अब लास्ट में 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें हमने इसमें डाल दी। और अब हम आंच को स्लो कर देंगे और 20 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। उसके बाद जो गुंजाइश रहेगी तो हम आपके सामने खोल के आपको बता देंगे। अब हम इसको फाइनल खोलने लगे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि अगर आपके पास, देखिए हमारे आलू तो यहाँ पक चुके हैं, शक्ल से ही पता चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्टली मैंने इसको ऐसे किया फूट के। और जो मटर हैं उनके तो आपको रंग से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल पक चुके हैं। लेकिन जो नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो वो तो पानी के बगैर इसको पका सकते हैं इस तरह। लेकिन जो नॉन स्टिक नहीं यूज़ कर रहे, यानी कि सिल्वर के बर्तन में बना रहे हैं, इसके अलावा भी किसी भी मटीरियल में, तो फिर वो ना इसमें 1 कप पानी ज़रूर डालें, वरना ये वैसे आपके नहीं बनने वाले। क्योंकि उसमें भाप बनता नहीं है तो पानी अंदर रहता नहीं है, वो निकल जाता है धुएं के जरिए। तो अब ये हमारे तैयार हो चुके हैं और हम आपके सामने इनको थोड़ा सा आँच तेज़ करके 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़बरदस्त मटर आलू तैयार हुए हैं। आप क्या कुछ फ्राई करने हैं, खासकर जिनको सब्ज़ियाँ नहीं अच्छी लगती उनके लिए ये मैं खास प्रोग्राम कर रही हूँ, वेजिटेबल प्रोग्राम। इस मंथ हम आपके साथ सारी सब्ज़ियाँ शेयर करने वाले हैं ताकि उनको सब्ज़ियाँ जहाँ गोश अपने फ़ायदे रखते हैं, वहाँ सब्ज़ियों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब हमने स्विच ऑफ कर दी गैस और अब हम इसमें डिश में निकालने लगे हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अगर कोई ग्रेवी वाले पसंद करता है तो वो इस दौरान पानी डाल के जब ये डन हो जाए, भुनाई के बाद, यानी जो आपका ये इसका प्रोसेसर है, आपने पानी डाल के इसको 2 बार बॉईल कर लेना है फिर। लेकिन मुझे ग्रेवी के बगैर ही अच्छे लग रहे हैं, बड़े मज़ेदार से ही, देखें लुक से ही पता चल रहा है बड़े मज़ेदार से ही बने हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपने ज़रूर बनाने हैं और हमें बताना है कि कैसे लगे आपको ये हमारे खास चटपटे से मटर आलू। अब लास्ट में हम इसके ऊपर
थोड़ी सी अदरक जो मैंने बारीक काट रखी थी वो डालती है, और थोड़ा सा धनिया हम इस पर छिड़कने वाले हैं। तो आपने ज़रूर बनानी है, हमें बताना है कैसी लगी आपको हमारी आज की सब्ज़ी की रेसिपी। इसके अलावा भी हम मज़ीद सब्ज़ी की रेसिपी मटर शलजम मटर कीमा आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर इसको शेयर करें। अब हमें सिर्फ शेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तक आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें उम्मीद है कि आगे भी आप हमारा साथ देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।